डियर फ्रेंड्स, कर्म के सिद्धांत के नैतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम विषय पर अपने पहले वीडियो में मैंने कर्म और कर्मफल के संबंध का विश्लेषण करने का प्रयास किया था। कुछ व्यवधान के कारण वह अपूर्ण रह गया था और उसी क्रम को इस वीडियो में मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैंने उसी संबंध में श्रीमद् भगवद् गीता का संदर्भ दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्म के सिद्धांत का सर्वोत्तम विवेचन श्रीमद् भगवद् गीता के निष्काम कर्मयोग में ही किया गया है। जहां तक श्रीमद् भगवद् गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रश्न है, यहां ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति का विलक्षण समन्वय है। यहां प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय है। जब हम निष्काम कर्म की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य कर्म का त्याग नहीं है, कर्म का निषेध नहीं है, कर्म में फल का त्याग, फल की भावना का त्याग। कर्म करते समय यदि हम फल का विचार करते रहेंगे, परिणाम के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से, पूर्ण मनोयोग से कर्म नहीं कर पाएंगे। वह हमारा कर्म हाफ हार्टेड कर्म होगा, आधे अधूरे मन से किया गया कर्म होगा। तो गीता हमें यह कहती है कि कम से कम जब कर्म करें हम, तो एक कुशल कर्मी के रूप में कर्म करें। और कुशल कर्मी कौन है? जो योग के अभ्यास के द्वारा, जो ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा और जो सच्चे भक्ति के द्वारा फलासक्ति से मुक्त हो जाता है, वह पूर्ण मनोयोग के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, अपना कर्म करता है, और फिर जिसके अधिकार क्षेत्र में फल देना है वह फल देगा। क्योंकि यह तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो कर्म किया गया है उसका फल निश्चित रूप से कर्ता को ही प्राप्त होगा। साधारणतया हमारी फल में आसक्ति रहती है, तो हम अनासक्त होकर के कर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फल प्राप्त करने की इच्छा, फल प्राप्त करने की भावना से हम मुक्त नहीं हो पाते। साधारणतया माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बिना फल प्राप्ति के कोई कर्म किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी न किसी इच्छावश हम कर्म करते हैं, और जो हमारी इच्छा है वो फल प्राप्ति की इच्छा से ही संबंधित है। तो ये कहना बहुत कठिन काम है कि हम फल की भावना से मुक्त होकर के कर्म कर सकते हैं। जो इस संबंध में आलोचक हैं, उन्होंने कहा है तो ठीक उसी तरीके से है जैसे घोड़े के आगे गाड़ी को कर देना, तो गाड़ी चल कैसे पाएगी? यदि हम फल की भावना रखेंगे ही नहीं, हम अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, तो किस प्रकार हम कर्म करेंगे, क्यों कर्म करेंगे? परंतु यहां ये उल्लेखनीय है कि जब गीता कुशल कर्मी होने की बात करती है, कर्म के कौशल की बात करती है, तो साधारण सांसारिक पुरुषों के लिए नहीं, वह ज्ञानी पुरुषों के लिए है, वो ज्ञानी भक्तों के लिए है, जो कर्म मार्ग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब तक हम फल की भावना से मुक्त नहीं होंगे,
हम स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाएंगे। गीता में एक स्थित प्रज्ञ की अवधारणा है जहां पर हम अविचलित रहते हैं, वी आर अनबिविल्डर्ड, सुख दुख शीत उष्ण जो विषम परिस्थितियां हैं, जो परस्पर विरोधी परिस्थितियां हैं, हम उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, हम उनसे विचलित नहीं होते हैं, हम समत्व भाव को प्राप्त कर लेते हैं, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, जहां पर हमारे ऊपर विषम परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा जो ज्ञानी कर्म करने वाला व्यक्ति है वो फलासक्ति से मुक्त होता है, फल की भावना से मुक्त होता है। और जब ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय अपने व्यक्तित्व में कर लेता है, उसे असत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ना सतो भाव ना भाव सतः, अर्थात सत वह है जिसका कभी अभाव न हो, जो त्रिकालाबाद हो, तीनों कालों में जो अवाहित रूप से रहे वही सत है, और जिसका अभाव हो सकता है, जो क्षणिक है, सामयिक है, कुछ समय के लिए है, वो असत है, वो सत नहीं है। और अगर इस कसौटी पर देखा जाए तो केवल आत्मा या ब्रह्म ही सत है, क्योंकि वही तीनों कालों में समान रूप से अबाधित रूप से रहता है, वही त्रिकालाबाधित है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको सद ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो तत्वज्ञानी है, जो सच्चे भक्त हैं, जिनमें समर्पण भाव है, वे अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, जो ईश्वर की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है, और उस भावना से जब कर्म किया जाता है तब हम स्थित प्रज्ञ होकर के लोक संग्रह की भावना से कर्म करते हैं। तो गीता एक आदर्श स्थित की ओर हमें ले जाती है, यदि हम चाहते हैं कि सांसारिकता से मुक्त हो जाएं, यदि हम जीवन मृत्यु के चक्र से अपने को मुक्त करना चाहते हैं, तो हमें योग साधना के द्वारा अपने चित्त को, अपने मन को ऐसी स्थिति में लाना होगा जिससे कि हम अविचलित होकर, अब विषम परिस्थितियों से अप्रभावित होकर के कर्म कर सकें, और हमारा हो कर्म लोक को समर्पित हो, क्योंकि बिना कर्म किए तो हम संसार में रह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा कर्म फिर हमें बंधन ग्रस्त नहीं करेगा जब हम लोक संग्रह के लिए कार्य करेंगे। तो साधारण जो कर्म करने वाला है वह सांसारिक जीवन यापन करता है, संसार में रह करके अपने भोग विलास के लिए कर्म करता है, और उस प्रकार के कर्म से हमें निश्चित रूप से बंधन होता है, और उसका फल प्राप्त करने के लिए हम जन्म जन्मांतर जन्म और मृत्यु के चक्र में लिप्त रहते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद् गीता यह कहती है, यदि हम कर्म के फल से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अनासक्त कर्म करना चाहिए, हमें ऐसी योग साधना करनी चाहिए, हमें अपने चित्त को इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए कि वो विकार रहित हो। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, इसलिए कर्म योग की बात की गई है। जब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मॉडिफिकेशंस ऑफ आवर माइंड, तब हम क्रमशः अनासक्त कर्म की ओर बढ़ते हैं, और फिर धीरे 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 जब हम योगी हो जाते हैं, और ज्ञानी तो हम है ही हैं,
अगर उस मार्ग पर हम चल रहे हैं तो बिना ज्ञान के हम उस मार्ग पर चल ही नहीं सकते हैं जो निवृत्ति का मार्ग है। तो कर्म में प्रवृत्ति की आवश्यकता है और फल से निवृत्ति की आवश्यकता है, और जब हम फल से निवृत्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हम स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करेंगे और फिर हमारा जो कर्म होगा वो लोक संग्रह को समर्पित होगा। इस तरह से धीरे धीरे गीता हमें यह संदेश देती है कि हम ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन सब के एक सुंदर समन्वय से परमार्थ के मार्ग पर चल सकते हैं, अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा, ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा हम ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। क्योंकि योग का एक अर्थ भी है आत्मा और परमात्मा का मिलन, और जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो हम इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और फिर जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से गीता हमें संदेश देती है कि हम किस तरह से कुशल कर्मी बन करके, अनासक्त कर्म के मार्ग पर चल करके, ज्ञान भक्ति कर्म के सुंदर समन्वय के द्वारा अपने सर्वोच्च लक्ष्य को, अपने सम्मम बोनम को प्राप्त कर सकते हैं और हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर, पुनर्जन्म से मुक्त होकर के ईश्वर में समाहित हो जाएंगे। धन्यवाद।